टू के बारे में जानना चाहेंगे। तो आई थिंक जितने पत्रकार आए हैं, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वेलकम एंड वणक्कम, जो कहना चाहें आप। सबसे पहले मैं इस परंपरा को आगे बढ़ाऊं, ट्रेलर लॉन्च कराऊं, दिखाऊं आप सभी को, मैं राजा बंदेला साहब के फिल्म के डायरेक्टर को यहां बुलाना चाहूंगा। प्लीज कम ऑन द स्टेज, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए राजा बंदेला साहब के लिए, क्योंकि थोड़ी सी गुफ्तगू कर लिया जाए, उनसे जाना जाए कि ये फिल्म क्या है। क्योंकि कहा जाता है कि दिल तो दीवाना है, कई लोग दिल को अलग अलग रूप देते हैं। कुमार विश्वास साहब आए हैं, ये दिल के 1500 तरीके और प्रकार बता सकते हैं आपको। व्यंजन के रूप में, जैसे आपने बात की थी, उसमें दोनों साहब से हम बात कर रहे थे कि व्यंजन मतलब क्या होता है, तो दिल के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे आपसे कुछ समय के बाद। लेकिन सर जी, दिल तो दीवाना है। हाँ सर, वो फिल्म का नाम, फिल्म का नाम आपको दीवाना है। क्या कॉन्सेप्ट, क्या है, क्या सोच, क्या है? पिछले कई साल पहले एक दौर था, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग बाहर जाके दूसरे मुल्कों में किसी काम को लेकर, किसी वजह को लेकर जाके वहां बस गए, और फिर वो ऐसे बसे, ऐसे रहे कि कभी वापस नहीं आए। लेकिन उनकी आस्था, उनका प्यार मुल्क से बराबर बना रहा। उस प्यार को वो अपने बच्चों से बराबर कहते रहे, हिंदुस्तान अच्छा है, हिंदुस्तान में आज भी शराफत है, समाज में एक दूसरे के प्रति इज्जत है। और वो बच्चा जो हिंदुस्तान से, उसका कुछ लेना देना चाहिए, वो बिल्कुल कनेक्ट है ही नहीं हिंदुस्तान से, वो उन सब बातों को बिलीव नहीं करता, ना उसने देखा है, केवल जो कुछ है वो अपने पेरेंट्स से सुना है। और वहाँ पर वो रह रहा है, वहाँ वो सेकंड क्लास सिटीजन है, यहाँ से कनेक्ट नहीं, तो उसके वो नो मैन्स लैंड पर है। ये कहानी केवल एक उस कंफ्लिक्ट की है जो एक परिवार में फर्स्ट जनरेशन की और दूसरी जनरेशन की। फिर एक और कंफ्लिक्ट है, इधर वो एक इस्लाम, एक हमारे करेक्टर में मुसलमान है, एक हिंदू है, एक सिख है। तो वो कहते हैं, देखो भाई बेटा, घूम घाम लो जितना, लेकिन बेटी जो भी बहू आएगी वो इस्लाम से, मुस्लिम की आएगी। तो वो ले आता है, कह रहे आपको ये रजिया आ गई है, रजिया भी याद आप करते, बेटा कहाँ है, क्या करते हैं अब्बा, अब्बा हमारा शामियाना है। और मैं बोले, तू शिया है, हम सुन्नी और शिया कभी हो ही नहीं सकते। तो वो एक कन्फ्लिक्ट है। फिर इसी तरह से हिंदुओं का, तो ये तीन अलग अलग स्टेजेस पे है। और इसके अलावा एक मोहब्बत की बात जो है, और पूरी की पूरी फिल्म हम लोगों ने मलेशिया में शूट की है, मलेशिया के बैकड्रॉप में शूट की है। और हमने NRI लोगों की जो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि वो हिंदुस्तान में जो है वो वहाँ नहीं है, वहाँ पर भी वही समस्या है, मोहब्बत को लेकर, जहाद को लेकर, सब को लेकर। उसकी एक छोटी सी कोशिश है, नए लोगों के साथ है, और बहुत मेहनत और प्यार से खुलूस से हमने बनाई, सभी ये लोग कहते हैं, लेकिन ये फिल्म वाकई हमने बहुत मेहनत प्यार से बनाई। पिछले आइए देखते हैं ट्रेलर, इसका जो इस फिल्म को बनाया गया है ट्रेलर के जरिए देखते हैं क्या इस फिल्म में, उसके बाद हम बात करेंगे इसके म्यूजिक के बारे में, फिल्म के बारे में। छोटी सी कोशिश है, आप लोगों का जिस तरह से प्यार और सराहना मिलता है, जो उसी की बदौलत हम लोग यहाँ हैं। और ये एक और बात है कि प्रोड्यूसर अगर जिंदा रहता है तो फिल्म इंडस्ट्री के 200 घर चलते हैं, 200 चूड़े चलते हैं। मैं ये मानता हूँ, फिल्म छोटी बड़ी चलने की बात होती है, लेकिन कोशिश जरूर होती है। ये हम लोगों ने कोशिश की है, और आप सबका स्नेह मिला तो मुझे उम्मीद है कि ये चलेगी भी। बिल्कुल 100% आएगी। और मैं इसमें के प्रोड्यूसर दीपक शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, दीपक ने बहुत मेहनत की है और लंबे अरसे से बेचारे कोशिश करते रहे। दीपक हमारे दिल्ली से हैं, जोरदार ताली होनी चाहिए। शेखी साहब का स्वागत करता हूँ, बोनी कपूर साहब का स्वागत करता हूँ, सारे मान्य अतिथियों का स्वागत करता हूँ। सर, ये मेरा पहला प्रयास है, बहुत मुश्किल से हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है, और सारे क्रू मेंबर्स ने हम लोगों का पूरा सहयोग किया है, जिस वजह से ये फिल्म कम्प्लीट हो पाई है। तो मैं आगे भी आप लोगों से सहयोग चाहूँगा कि हमारी कंपनी आगे भी फिल्म बना सके, और तो आप सब अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि ये फिल्म दिल तो दीवाना सक्सेस हो सके। और मेरे साथ मेरे कुछ पार्टनर्स हैं जो दिल्ली से स्पेशली आए हैं, गणेश सागर जी और शेखर पाली जी, उनको भी मैं चाहूँगा स्टेज पर आके दोबारा दें। ऐसा होता है कि जब स्टोरी कहानी बनती है तो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन देखा जाता है। तो बेसिकली दो चीज़ ऐसी कौन सी है जो फिल्म देखने के बाद ऐसा लगे कि यार ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखी इस फिल्म के अंदर? कुमार विश्वास जी का गाना और हम सबकी मेहनत, क्या ये और उसकी रंग। दीपक, दो चीज़ें ऐसी जो आपको प्रेरित करती है फिल्में बनाने के लिए, तो फिल्म बन चुकी है, कौन सी ऐसी दो चीज़ ऐसी लगी आपको कि यार फिल्म बनानी चाहिए? सर, मैं एक्चुअली एक मीडिया लाइन से जुड़ा हूँ बचपन से, और मैंने उसमें अच्छा पैसा भी कमाया है,
तो जब भी कोई मीडिया से लेके बात अट्रैक्ट होती है तो मैं सोचता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री से अच्छी लैंग कोई है नहीं। आप 100 बिल्डिंगें बना लो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी कर लो, लेकिन अगर एक आप फिल्म बना के लोगों तक पहुँचाते हो तो मेरे ख्याल से नाम भी होता है और इस फिल्म लाइन में पैसा भी है अगर अच्छी फिल्म बनाए। बस इस वजह से मैं प्रेरित हुआ, कोई वजह नहीं। तुम्हारे साथ में तो मुझे तो बस एक ही बात दीपक जी की जो थी, उसने फिल्म में साथ आने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने कहा कि आप कितना ही बड़ा बिजनेस कर लो जीवन में, कहीं पर भी पैसा लगा लो, करोड़ों रुपए कमा लो, लेकिन अगर आप एक फिल्म बनाते हो तो जो खुशी आपके बच्चों को मिलती है कि मेरे पापा ने फिल्म बनाई है, वैसी खुशी दोबारा नहीं मिलती। बस यही क्लोजिंग थी मेरी उसमें। बहुत सारी बातें दीपक जी और सब लोगों ने कह दी, और मेरा ये मानना है कि अगर सोच अच्छी है तो कारवा जुड़ता चला जाता है और मंजिलें मिलती चली जाती है। बस धन्यवाद। सर जी, आपकी बिल्डिंग में कितने लोग हैं बता दीजिएगा भाई साहब, और बहुत सारे प्रोड्यूसर यहां हैं। बस मैं अपनी वाइफ को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि इसके बगैर, अपनी वाइफ के बगैर मैं शायद बॉम्बे में ना रह सका, काम कर सकता। तो आराधना आओ सर, प्लीज आने पर दीजिए अपने पति को। नहीं ऐसा नहीं है, तारीफ के लायक है। क्या बात, बस इसे कही कि ऐसी 10 फिल्म और बनाते रहे, 200 लोगों का घर चलता रहे, 2000 लोगों का। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल चाहूंगी बनाए और आप सबके सहयोग से ये फिल्म हिट जाए तो इंशाल्लाह ये चकारा भी चलता है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो भाई, ये तो प्रोड्यूसर साहब की बात हुई, बहुत जरूरी फुटेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और अब बारी है जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस फिल्म बनाने में म्यूजिक का जितना हाथ आनंद राज आनंद ने बहुत ही सहयोग दिया है, उसके बाद सिनेमेटोग्राफर हैं, एक्टर हैं, परफॉर्मर सब लोग हैं, लेकिन कुमार विश्वास इस फिल्म में, जुबिन ने भी बहुत मेहनत की। हम लोगों ने, जब हमें मुश्किल हो रही थी कि इसमें टाइटल सॉन्ग नहीं मिल रहा था, हमारी मुलाकात कुमार भाई से हुई, हमने कहा मुझे टाइटल सॉन्ग चाहिए, बोले कुछ समय दे दो, पहले फिल्म देखूंगा। हमने कहा फिल्म देखने के बाद ही दीजिएगा। हमने इनको बॉम्बे बुलाया, हमने फिल्म दिखाई, बोले लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर मेरा होगा। हमने कहा ये भी मुझे मंजूर है भाई आपका। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की, कुमार भाई ने पहली बार फिल्म के लिए हमारे साथ ये गाना लिखा। तो जुबिन जो आज यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी मेहनत और कुमार भाई की लिखनी बहुत काबिले तारीफ है। तो मेरे कुछ लोग कुमार जी प्लीज कमांड द स्टेज, एक बार जोरदार तालियां चाहिए कुमार विश्वास के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये जो बॉन्डिंग है, ये कौन सी वाली है, कलाकार वाली है या नेता वाली है? देखिए पहले तो सर बैठे हैं और बोली सर बैठे हैं, इनके साथ जाते मुझे अभी मिले थे दिल्ली के टीवी प्रोग्राम में, तो मैंने उनसे कहा था कि हम आपके पैतृक फैन हैं, खानदानी। अच्छा, आपके पिछली जनरेशन के भी फैन हैं और इस जनरेशन के भी। मैं इस मौके का लाभ उठा दूं, क्योंकि वो लोग बैठे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। हमारे जिस संस्थान से मैं हूँ, कवि सम्मेलन से, मुशायरे से, वहाँ एक परंपरा थी कि जो भी बहुत लोकप्रिय हो जाता था, जिसके गीत बहुत लोकप्रिय हो जाते थे, अक्सर फिल्म इंडस्ट्री के लोग उसे कहीं ना कहीं सुन के बुला लेते थे। जैसे एक फिल्म थी यादगार, मनोज कुमार साहब उसे बीकानेर में बना रहे थे और बीकानेर नरेश के घर पे ठहरे हुए थे। मारवाड़ियों का एक सम्मेलन था, बीकानेर के जो महाराज थे वो मुख्य अतिथि थे। तो शाम को उन्होंने मनोज कुमार जी से कहा कि कुछ शायर कवि लोग आए, आप ही सुनने चलिए। तो उन्होंने कहा मैं तो आमंत्रित नहीं हूँ। उन्होंने मारवाड़ियों से कहा भाई मनोज कुमार जी को बुला लो, शूट करके आए। तो मनोज कुमार जी चले गए, वहाँ एक दिल्ली के लाइब्रेरियन कवि थे, उनकी टांग खराब थी, उन्होंने एक गाना सुनाया, मेरे देश को बचा लो मेरी जान ले लो। तो मनोज कुमार जी का गाना बहुत अच्छा है यार, आप मिलना मुझे, मैं आपसे बम्बई में, ना उस जमाने में मेल होता था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, बात आई गई होगी। उसके बाद जब वो शोर बना रहे थे तो उन्होंने ओडियन सिनेमा के मालिक जो थे उनको कहा कि यार दिल्ली का कवि है, पतला सा, टांग खराब है, लाइब्रेरी में काम करता है। उन्होंने ढूंढवाया और वो लेके जहाज से यहाँ आए और गाना हुआ एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जो वर्ल्ड फेम गाना हुआ। ऐसे ही नीरज जी के साथ हुआ, ऐसे ही मजरू साहब के साथ हुआ। मजरू साहब यहाँ दिगर मुरादाबादी के साथ आए थे और उनको जय ओम प्रकाश जी ने सुना और कहा यार लड़का बहुत अच्छा है, गाना और हम है मता है पूछा बाजार की तरह उठती है निगाह। अभी मुझे माफ करिएगा कहते हैं, चूंकि मैं जिस संस्थान से आऊँ वहाँ मैं ठीक ठाक समृद्ध हूँ, वहाँ सबसे बड़ा जो काम होता है वो मैंने कर लिया, ये जानता है मेरा पुराना दोस्त है। अभी यहाँ कुछ ऐसा हो गया है कि क्रिएटिविटी नाम की जो गाय है वो 12 किलोमीटर की पट्टी पर बंधी हुई है, बांद्रा से लेके जुहू तक, उसको वही धूल लेते हैं, वही फिल्म बन जाती है, वही संगीत बन जाता है, वही गाना बन जाता है, वही सब कुछ हो जाता है। पूरे हिंदुस्तान में 125 करोड़ लोग हैं और जैसा साहिर कहकर गए, कल और आएंगे नगमों की खिलती गलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, एक से एक लिखने वाले, पटकथा हो, डायलॉग हो, कहानी हो, एंगल हो, बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। लेकिन ये जल्दबाजी है सर्वाइवल की शायद ये कहीं दिक्कत दे रही है,
और यही कारण है कि हम इतने क्रिएटिव होने के बावजूद भी एकेडमीज में ऑस्कर में खड़े नहीं हो रहे। हम जैसे एक हमारे गांव का लड़का है मेरे पड़ोस का सुरेश रैना, मैं उसे बॉम्बे के सारे स्टार्स के प्रति बहुत आदर के बाद ये कहना चाहता हूँ कि वो बॉम्बे के सारे शहनशाह और बादशाहों से बड़ा इसलिए है क्योंकि वो वहां की रामलीला मैदान में प्रैक्टिस करता है और उसका टेस्ट मेलबोर्न के हाथी के सामने होता है 6.5 फुट के दैत्य के आगे जो गोला फेंक के मारता है उसको चक्का मारता है। हम यही एक दूसरे को बादशाह कह लेते हैं, एक दूसरे को सुल्तान कह लेते हैं, एक दूसरे को शहनशाह कह लेते हैं। हम जब वहां जाते हैं तो वहां क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी के द्वार खुले। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजा भाई से मुलाकात थी बहुत पुरानी, लेकिन मैं लिखते में थोड़ा डरता था, मुझे लगता था कि मैंने कवि सम्मेलन में गाना गा दिया, कविता सुना दी, बहुत अच्छा हो गया, वेरी गुड, ताली बज गई, आईआईटी चले गए, ऐप चले गए, लोगों ने गा लिया। सो इन्होंने फिल्म जब बनाई तो उन्होंने कहा फिल्म देख लीजिए, मैंने फिल्म देखी, वी आर चोपड़ा साहब के यहाँ वहीं देखी थी, और मैंने कहा बाकी सब तो ठीक है, इसमें टाइटल कहाँ है, उन्होंने कहा टाइटल लिख दो। सो मैंने कहा जुबीन मेरा दोस्त है उससे बात करते, तो उसने मुझे धुन भेजी और मैंने फोन पर गाना लिखा, फोन पर एक गाना लिख दिया, जैसा भी है गाना सुनाई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब सामान्य अभी जो बज रहा था गाना दिल तो दीवाना है, लेकिन अनुरोध मेरा यह है कि दीपक एक बहुत प्यारा सा और है ये शर्मा लेकिन लगता गोयल मित्तल है थोड़ा आकार पर इंडायरेक्टली तुमको कह दिया भाई शर्मा जी सुनो कि ये बंबई शहर में मत ढूंढा करो, आर्टिस्ट बाहर भी है। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा मैं, इंडायरेक्टली उसने मेहनत की है और एक लंबे अरसे प्रतीक्षा की है, वेट की है इस फिल्म के लिए, और खुशी की बात यह है कि इस इंडस्ट्री के जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं आज वो यहाँ उपस्थित हैं। बोनी सर हम आपके बड़े फैन हैं, आप आपके पास तो मैं बैठता रहा हूँ, आपके आशीर्वाद लेता रहा हूँ, पंकज हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, राम जी आपके बड़े प्रशंसक हैं हम सुन लो। सो मैं आपसे आशा अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ एक उर्दू में एक शेर है कि तुम्हारी बज़्म से बाहर भी एक दुनिया है, तुम्हारी बज़्म से बाहर भी एक दुनिया है, बड़ा गुनाह है हुजूर ये बेखबरी। सो वो जो बाहर दुनिया है उसमें एक से एक लोग पड़े। शर्मा जी फिर से अंडरलाइन करो, बाहर दुनिया है, मतलब आज हमारा विश्वास तो यही है कि मुंबई शहर तो क्या है ही है लेकिन बाहर भी बहुत सारे कलाकार हैं और वहां से अगर पहले भी आप लोग आए हैं, और ये मुंबई अपने आप में सबसे खूबसूरत बात इसलिए है कि ये ग्रास रूटर्स को खड़ा कर देती है, जो सच्चे तृणमूल हैं ये खड़ा कर देती है, लेकिन थोड़ा सा कहीं मुझे लगता है कि जल्दबाजी के चक्कर में या यहाँ ज्यादा लोग स्टेप इन हो गए हैं इस चक्कर में बाहर की तरफ, हालांकि सोशल नेटवर्किंग मीडिया काफी खोल रहा है, फेसबुक से, ट्विटर से, यूट्यूब से, तो इसमें से कुछ जिम्मेदारी लीजिए ना आपने, मैं अच्छे प्रतिभाशाली लोगों को इस इंडस्ट्री में भेजेंगे, सबसे पहले मैं आ जाऊं वो तो जुगाड़ हो चुका है, चिंता मत कीजिए, मोनी साहब यहां बैठे हुए हैं सर, मैं आशा करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस फिल्म को आप सब देखेंगे, और हो सकता है कि इसमें कुछ कमियां हो, पूरी कंप्लीट उस तरह की ना हो, निस्संदेह होगी इसमें, लेकिन आने वाले कल हमने हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बुंदेलखंड का एक करेक्टर है हरदौल, जो वहाँ का हर घर का मामा कहलाता था, वो मरने के बाद जिंदा हुआ था ऐसा कहानी है, उसको इस समय के दौर में दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और राजा भाई स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर आते रहेंगे, अगर मजरूह मिलते रहेंगे, अगर साहिर मिलते रहेंगे, अगर लोग मिलते रहेंगे, जैसे हमारा एक दोस्त है वरुण, वो बहुत अच्छी बात कहता है कि अब गाना क्या लिखें, जितना इंटीरियर था जज्बात सांसें आह तपन में तो गुंजार भी ले गए, और जितना एक्सटीरियर था जमीन बादल जमीन चलने लगी ये जावेद साहब ले गए। सो ऐसा नहीं है, पृथ्वी समाप्त नहीं हुई है, संस्कृत में एक श्लोक है कालो निरवधि विपुलाच्च पृथ्वी, काल की कोई अवधि नहीं है, पृथ्वी समाप्त नहीं है, कल और आएंगे, फिर और आएंगे, फिर आएंगे, हमसे बेहतर आएंगे, आपसे बेहतर आएंगे, बोनी सर से और तमाम लोग जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम किया है, और मैं आशा करता हूँ कि हम जैसे लोग जो किनारे बैठे हुए हैं, आपने जैसा कहा राजनीति से हमारा परिचय नहीं, मेरी इनकी दोस्ती 2005-2006 की है, जब ये बुंदेलखंड के लोगों को जो आज समस्या है पानी की उसके लिए संघर्ष कर रहे थे, और मैं इनसे इसलिए प्रभावित हुआ कि मैं लखनऊ में एक बार मिला, बुंदेलखंड पे बात कर रहे थे, हो सकता है शाम का प्रभाव हो या शाम के प्रभाव का प्रभाव हो, ये बुंदेलखंड की बात करते करते रोने लगे, हाँ बुंदेला स्टार्ट ट्राइंग। सो मैंने कहा कि यार मैंने बड़े सोशल एक्टिविस्ट देखे हैं, और गालिब का एक शेर है, वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि खाते हैं मुर्ग कौम के हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ, तो मुझे लगा कि यार ये ऐसा लीडर नहीं है, रो रहा है बुंदेलखंड में पानी है तो रो पड़ा, तो मुझे लगा राजा भाई से भी उम्मीद है कि वो एक बार तय कर ले कि इधर की तरफ जाना है कि इधर की तरफ जाना है, बीच बीच में इधर उधर 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 जाते रहते हैं, और चाहेंगे तो अच्छी फिल्म बनाएंगे। आप सबको बहुत आभार कि आप इसे सुन के। एक अफसोस का विषय यह है कि हमारे बीच हमारे बहुत अच्छे सिनेमा जगत के जर्नलिस्ट संपादक, हमारे बहुत अच्छे हितैषी करीबी दोस्त करीबी भाई विकास मोहन जी का निधन हुआ है,
हमें अफसोस है कि हम प्रोग्राम की शुरुआत उनको श्रद्धांजलि देके करना चाह रहे थे, लेकिन वो माहौल ऐसा हो गया कि नहीं हुआ। लेकिन हम चाहते हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य थे, हम सब कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं उन्होंने हम सब की किसी ना किसी रूप में मदद की है। मेरी गुजारिश है कि एक मिनट के लिए हम उनको श्रद्धांजलि देंगे।